बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतरी को लेकर सरकार के द्वारा लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसको देखकर यह समझा जा सकता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। बांका जिला के अमरपुर के मेनिया गांव के रहने वाले विकास दास को गले में अपराधियों के द्वारा गोली मारा गया, जिसके बाद उसे अमरपुर रेफर अस्पताल से इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भेज दिया गया। परिजन जब मरीज को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे तो यहां एक्सरे मशीन खराब होने की बात को कहकर सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां से परिजन ई रिक्शा में लेकर मरीज को सदर अस्पताल पहुंचे। यहां पर मरीज को स्ट्रेचर भी नहीं दिया गया। वहीं परिजन मरीज को गोद में लेकर इधर से उधर भटकते रहे। वहीं घंटों इंतजार के बाद एक्सरे होने के बाद फिर से परिजन मरीज को गोद में उठाकर ई रिक्शा से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले गए। वहीं इस मसले पर जब सिविल सर्जन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस मसले पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। गोली लगाए बिहार में खेत पटा रहे थे तो कुआसा बहुत था, गोली चलाने वाला कौन था और किधर से चला ये हम लोग नहीं देख पाए। कितना परेशान हो रहे, कितना देर से मायागंज और सदर अस्पताल? मायागंज से हम सर इधर आने से 2 घंटा 1.5 घंटा हो गया सर, ना को गाड़ी ना कुछ, गोद में लेकर के सर इधर से उधर दौड़ रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। काफी परेशानी हो रही है। और मतलब एक्सरे कितना देर बाद हुआ? एक्सरे सर यहाँ आने से 1.5 घंटा बाद हुआ। परेशान है सर। क्या नाम? मेरा नाम सर ब्रजेश कुमार दास। कहाँ कहाँ पहले गए फिर कहाँ आए? पहले सर हम लोग का प्रखंड अमरपुर पड़ता है सर, तो अमरपुर हॉस्पिटल आए, वहाँ से सुई दिया डॉक्टर लोग, उसके बाद भेज दिया एम्बुलेंस से यहाँ मायागंज में सुई दवाई दे दिया, उसके बाद यहाँ आए एक्सरे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार पहुंचे हैं। श्री कृष्ण चेतना विचार मंच के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है, इसको लेकर बिहार में सियासत तेज है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मोहन यादव ने क्या बिहार देखा है, लोकसभा चुनाव होने वाला है तो आप बिहार आ रहे हैं, बिहार के बारे में आप कुछ नहीं जानते। वो कहते हैं कि हजारों वर्षों से गाय पालते हैं, गाय हम लोग भी पालते हैं, जात पात की राजनीति नहीं कीजिए, यह बिहार है मध्य प्रदेश नहीं जो यहां आकर आप भाषण दे रहे हैं, जातिता की बात कर रहे हैं, जात पात करिएगा तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। मोहन यादव क्या है जो वोट बैंक पर असर पड़ेगा, किसी कृपा से मुख्यमंत्री बन गए हैं, जातिवाद करके आप बिहार और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले मैं ये आदरणीय मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के आए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बिहार कभी आपने देखा है कैसा होता है? आज जब लोकसभा का चुनाव और आप मुख्यमंत्री बने तो आ रहे हैं बिहार में, जाधवों की बात कर रहे हैं, आप जाधव कितने को जानते हो बिहार में? कुछ भी नहीं जानते हैं आप। कभी आए बिहार? आप बिहार के लोग देश को आजाद कराने में अपनी जो कुर्बानियां दी हैं क्या उनको पता है? अब वो कहते हैं कि 1000 वर्षों से हम लोग गाय पालते हैं। अरे गाय सिर्फ वो नहीं पालते हैं, गाय सभी लोग पालते हैं, गौ माता होती है उनको, उनको पता नहीं है। और बिहार है ये मध्य प्रदेश नहीं है जो आप यहाँ आके भाषण दे रहे हैं। आपको जनता बिल्कुल आपकी कोई बात नहीं समझेगी। आप जात पात की राजनीति मत करिए, जात पात से ऊपर उठिए, देश को एक रखने का काम किया, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं इसीलिए आप जात पात की बात करते हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग जात पात की बात नहीं करते, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति का हो, बीसी बीसी फॉरवर्ड सब लोग को लेके चलते हैं। आप आके यहाँ जातिता जाधव की बात कर रहे हैं, जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। और आप बिहार छोड़िए, आप बिहार में आके बोल रहे हैं, आपको मध्य प्रदेश में भी जनता विरोध आपका करेगी, आने वाला वक्त आपको बताएगा। वोट बैंक पे असर पड़ेगा क्या बिहार? कोई असर नहीं पड़ता। ये मोहन यादव है क्या? इनको किसी के कृपा से ये मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये बात कर रहे हैं जादव भाइयों की? आइए जादव भाई देखिए, हम यहाँ तीसरी बार जीते हैं, एमएलए हैं। जादव भाई यहाँ जात पात की बात मत करिए, जादव कौन है, फॉरवर्ड कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, क्रिश्चियन कौन है, ये बात नहीं होती है। सब लोग इंसान है, इसी धरती का पैदाइश है, धरती का नागरिक है, भारतवर्ष के नागरिक हैं, इसलिए सब लोग एक हैं। इस तरह की बात जो करते हैं अब देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जातिवाद करके अब बिहार को और देश को बांटना चाहते हैं, ये जनता माफ नहीं करेगी। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के NH-80 कांझिया बाईपास पर बुधवार की देर शाम चलती पिकअप वैन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया।
आनन फानन में लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने साहस जुटाकर आग पर काबू पाने का भी प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी मधुसूदनपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा होने पर ड्राइवर ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। मिली जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पिकअप वाहन में आग लगी। घटना में पिकअप वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। अपने दबंग अंदाज और विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा में शामिल होने के बयान पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अब भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए तो उनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। बीजेपी में हम लोग थे पहले, तब भी नहीं मानते थे। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी बूढ़ा हो गए हैं, सठिया गए हैं, वो क्या है नहीं है, मुसहर है और क्या है कौन जानता है। नीतीश कुमार ने उनका मुख्यमंत्री बनाकर गलती की, अभी वो भर भर कर रहे हैं। नीतीश कुमार पाला बदलने वाले नहीं हैं, अगर वो जाएंगे तो उनका वजूद खत्म हो जाएगा। कभी नहीं, नीतीश कुमार मर जाएंगे, मिट जाएंगे, बीजेपी नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो राजनीति से हट के, मतलब चले गए, इनका राजनीतिक पतन हो जाएगा। हम लोग बीजेपी को नहीं मानते हैं, हम बीजेपी में पहले थे, नहीं मानते हैं। जीतनराम मांझी थोड़ा बूढ़ा भी हो गए, सठिया गया दिमाग उनका, क्या क्या बोलते, उसका कोई गिनती है? जीतनराम मांझी कौन है, मुसहर है कि नहीं है, क्या है नहीं है, कोई जानता है? मांझी तो मल्ला को कहता है, उनको मुख्यमंत्री बना दिए नीतीश कुमार ने, यही गलत किए, तो भड़बड़ कर रहा है, उनका कोई गिनती है? यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यही करते रहता है। पाला ताला बदलने वाले नहीं हैं बीजेपी में, नीतीश कुमार जी नहीं जाने वाले हैं, जाएंगे तो इनका वजूद घट जाएगा। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। लालू यादव ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है, तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सीट शेयरिंग जल्द हो जाना चाहिए। मुख्यमंत्री छोड़कर कोई कुछ बोलते हैं तो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जो भी कैंडिडेट होंगे जिस पार्टी के, उनको अपने क्षेत्र में लग जाना चाहिए ताकि भाजपा को हराया जा सके। सीट को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारत के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। अजीत शर्मा के बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस बिहार में सीट को लेकर भी कुर्बानी दे सकती है, उन्हें जो मिलेगा वो स्वीकार करेंगे। कौन क्या कहता है मैं नहीं जानता, माननीय मुख्यमंत्री क्या कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, माननीय मुख्यमंत्री भी है, उनका कोई बयान ऐसा नहीं है। कोई और अगर बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपको बता दें यह महत्वपूर्ण नहीं है कौन क्या बोलता है, महत्वपूर्ण यह है कि सीट का बंटवारा जल्द से जल्द हो और जो भी कैंडिडेट हो जिस पार्टी का भी हो उनको अपने क्षेत्र में लग जाना चाहिए ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें और देश को बचाने का काम। देखिए हम तो कहें कांग्रेस पार्टी कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है देश के हित में। कांग्रेस ने भारतवर्ष को आज़ाद कराया, उसके बाद जो भी कुर्बानियां आप देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी आदरणीय मेरी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपनी जान की कुर्बानी दी, स्वर्गीय राजीव गांधी ने कुर्बानी दी देश के हित में, इसलिए वो कुर्बानियां कांग्रेस का अपना खून में एक अंग है। देश के हित में, देश को बचाने के लिए, युवकों को रोजगार के लिए कोई भी कुर्बानी कांग्रेस देगी। अगर सीट
कोई भी कम देता है, लेकिन ये निर्णय फिर मैं कहूंगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी और मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी, और जो भी करेंगी देश के हित में करेंगी, जनता के हित में करेंगी। इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा भगवान राम व हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने बड़ी बात कही है। गोपाल मंडल ने कहा कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, काल्पनिक बात नहीं है, राम सबके हैं। राम जी नहीं थे तो किताब और रामायण सब कैसे लिखा गया, जो उनका इतिहास है। राम जी मनुष्य थे, वो कुछ अच्छा काम किए जिससे भगवान कहलाए। श्री कृष्ण क्या करते थे कि वो गोपियां सब नहा रही थी तो उनका साड़ी लेकर भाग जाते थे, वो नटखट थे, उन्होंने कंस का वध किया इसलिए वो ही भगवान कहलाए। मान लीजिए हम भी अच्छा काम करते हैं, लोगों का सुनते हैं, उनका काम करते हैं, राम भगवान सबका भगवान है, यह थोड़ी है कि भाजपा वालों का है। भाजपा वाले जो लॉलीपॉप दिखाना चाहते हैं, मैंने यह किया तो यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। इसके बाद संतों ने चंदा कर मंदिर बनवाया, प्रधानमंत्री थोड़े मंदिर दिए हैं। इस बयान के बाद सीएम नीतीश के चहेते जदयू विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। नहीं देना चाहिए, काल्पनिक बात नहीं है। राम थी, ये तो सबको इतिहास गवाह है, उसका किताब में है, सब कुछ है, रामायण लिखा गया है। जब तक राम जी थे नहीं तो कैसे हुआ, था तो जरूर, महाभारत हुआ है, सब कोई जानता है। हाँ, रामायण की बात है तो ये तो है, ये है, भगवान तो थे ही, भगवान किसको, वो भी मनुष्य थे, राम जी भी मनुष्य थे, उन्होंने कुछ अच्छा काम किए तो भगवान कहला गए। श्री कृष्ण देखते थे क्या करता था, अगर नहा रही है गोपिकाएं सब, महिला सब, उसका सारी लेके भाग जाता था, मांगना शुरू करता, दीजिए दो कृष्ण दो कृष्ण, तो बड़ा नटखटिया आदमी था। बाद में भगवान कह गए, कंस जैसे राक्षस को उन्होंने वध किया, वो भगवान कहला गए। अब मान लीजिए हम अपने विधानसभा में विधायक हैं, चार बार बने, अच्छा काम करते हैं, आम पब्लिक से मिलते हैं, जो भी आता है भागलपुर पार्लियामेंट का भी आता है, उसका काम करते हैं, तो ये तो जरूर कहेंगे ना विधायक चाहिए गोपाल मंडल जी से। जहाँ पर रामलला का टेंट था वहाँ पर गुड़िया को रख के रामलला बोल दिया गया था उसको, क्या लगता है इस तरह का बयान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, राम भगवान तो सबका भगवान है, ये थोड़ा बीजेपी वालों का है, और बीजेपी वाला जो लॉलीपॉप दिखाना चाहते हैं, मैंने ये किया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, अयोध्या में राम मंदिर, ये राम जी का स्थल है, उन्होंने आदेश दिया, तब संतों ने चंदा करके, कुछ ऐसे धनवानों ने चंदा देके उतना सुंदर मंदिर बनाया, थोड़ा प्रधानमंत्री बनाया है मंदिर, तब जगह पर वही तो पूजा तो वही करेंगे ना, शुरुआत तो वही करेंगे। भागलपुर की गोपालपुर प्रखंड के प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी के खिलाफ 5 जनवरी को गोपालपुर प्रखंड कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके बाद प्रखंड प्रमुख ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को सभी पंचायत समिति को सशरीर हाजिर कर उनके हस्ताक्षर लेने और उसके बाद अग्रतर कार्रवाई किए जाने का दिशा निर्देश दिया गया था, जिसके बाद आज गोपालपुर प्रखंड के 11 पंचायत समिति रागनी देवी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी के सामने सशरीर हाजिर होकर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अपना अपना हस्ताक्षर किया। इस दौरान गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल डीएम कार्यालय पहुंचे और पंचायत समिति सदस्यों से मुलाकात की। वहीं गोपालपुर प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौधरी ने बताया कि गोपालपुर के प्रखंड प्रमुख रिंकू देवी के मनमाने रवैये कारण सभी पंचायत समिति सदस्य आक्रोशित हैं और उनके खिलाफ 5 जनवरी को ही गोपालपुर प्रखंड में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन प्रखंड प्रमुख हाईकोर्ट में गलत हलफनामा दायर करके यह बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर फर्जी है, जिसको लेकर सभी पंचायत समिति जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि प्रखंड प्रमुख और उनके पति पंचायत समिति सदस्यों के साथ गाली गलौज करते हैं, जिससे पंचायत समिति सदस्य काफी गुस्से में है। वहीं डीएम ने कहा कि गोपालपुर प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन प्रखंड प्रमुख हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है उस आधार पर वो काम कर रहे हैं। आज 11 पंचायत समिति सदस्य हमारे पास सशरीर हाजिर हुए हैं। यहाँ आपको बता दें, गोपालपुर प्रखंड में कुल 12 पंचायत समिति हैं और प्रखंड प्रमुख को छोड़कर सभी 11 पंचायत समिति आज जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुत हुए। अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख पर लगाया गया है, उनके मनमानी के विरोध में सारे समिति एकत्रित है और डीएम साहब के यहाँ फिर उनको समय दिया गया है, पिटिशनर को आएंगे मिलेंगे, उसका तो नए प्रमुख का चुनाव होगा। कब गोपालपुर में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके बाद 5 जनवरी को
उसके बाद फिर क्या हुआ जो डीएम के पास आना? वो प्रमुख जो थे वो हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट डीएम साहब को अधिकृत किया था कि आप कानून के अनुरूप इसका अनुपालन कराइए। उसी क्रम में सब समिति को यहाँ बुलाया गया था, आज आए थे, पुनः कल बुलाया गया पिटिशनर को। इसके बाद चुनाव का डेट होगा और नए प्रमुख का चुनाव होगा। हाँ सर, देख रहे हैं सबको, इसलिए देख रहे थे सबको, महिला सबको पहचानते नहीं है। अविश्वास, एक तो उसके सामने में अविश्वास लगाया 8 आदमी ने, जैसा हमको जानकारी, हम तो इंटरेस्ट लेते नहीं छोटे चुनाव में। और उसके बाद अभी रागिनी देवी के साथ 10 पंचायत समिति है, 11 पंचायत समिति है, तो प्रमुख यही बनेगी। लेकिन यहाँ उड़ाने फुराने वाली बात होता है, वो बहुत गाली भी देता है। दिनकर जी हैं प्रमुख, वो दिनेश यादव को गाली गलौज किया, सब कुछ किया, उनकी पुतहू है पंचायत समिति सदस्य, वो बने थे, सबने बनाए थे, लेकिन बतवा ये है काम किया नहीं, एकदम अकड़ के सबसे बात करता था, किसी का फोन नहीं रिसीव करता था, ये कहानी है। और गाली गलौज भी किया आदमी को जुटाने में, भड़क गए सबको, एक हो गया रागिनी देवी के साथ। अभी वो अविश्वास लगाएंगे और फिर हटेंगे। इसमें एक पक्ष जो है माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया था, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि जिला पदाधिकारी सभी सदस्यों को बुला करके अपने सामने में हस्ताक्षर प्राप्त कर ले, उनका पक्ष सुन ले। तो आज 11 सदस्य आए हुए थे और एक सदस्य अनुपस्थित थे, संभवतः जो पिटिशनर थे वही अनुपस्थित थे। तो उनको नोटिस करके कल हम लोगों ने बुलाया है और सभी पक्षों की बात सुन करके और जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है हस्ताक्षर वगैरह प्राप्त करके इसमें मेरे स्तर से आदेश पारित किया जाना है, तो हम लोग ससमय यथाशीघ्र कर देंगे और उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है उसका। भागलपुर के इसाक्षक थाने के वार्ड नंबर 48 के शिवपुरी कॉलोनी मोहल्ले में देर रात्रि करीब 10:30 बजे उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक घर में आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद 112 पर कॉल किया गया और उसके बाद 112 और इसाक्षक थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी मौके पर पहुंची और 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिली जानकारी के अनुसार आग रिटायर्ड आरपीएफ कर्मचारी जयप्रकाश चौधरी के मकान में लगी थी। आग रात्रि करीब 10:30 बजे लगी। सूचना मिलते ही आनफानन में 112 पर कॉल करके सूचना दी गई, साथ ही आसपास के लोग अपने अपने टंकी से पाइप जोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद करीब 20 मिनट के बाद 112 और इसाक्षक थाने की गाड़ी मौके पर पहुंची और उसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 छोटी गाड़ी लगभग 11:15 पर मौके पर पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई और लगभग 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना के बारे में चश्मदीद ने बताया कि लगभग 10:30 बजे के आसपास सब लोग सो रहे थे, वो बाथरूम जाने के लिए निकले तो उसने देखा कि मकान के छत पर जो सीढ़ी घर होता है उस पर उसे आग की लपटें दिखाई दी, जिसके बाद आनन फानन में उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और एक एक कर सभी लोग जल्द ही मकान से बाहर आ गए। हालांकि आग लगने के कारण के बारे में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, पर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ठंड के कारण अलाव जलाया गया था जिसकी चिंगारी से आग लगने की घटना घटित हुई है। बताया जा रहा है मकान जयप्रकाश चौधरी का है जो मकान में नहीं रहते, पूरा मकान किराए पर दिया गया है। हालांकि जयप्रकाश चौधरी के दामाद मकान के निचले तल पर रहते हैं, उन्होंने बताया कि वो सो रहे थे जब ऊपर अफरा तफरी मची तब उन्हें जानकारी हुई कि छत के ऊपरी हिस्से में आग लग गई है, जिसके बाद वो सभी भाग कर निकले। हालांकि इस अगली घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लगभग 1 लाख के आसपास की क्षति बताई जा रही है। घटना क्या, हम बाथरूम उठे हुए थे तो पता चला कि देखे कि कुछ गेट के पास आवाज़ आया, साइकिल लगा कि साइकिल उकिल कुछ गिरा है, बच्चा लोग साइकिल चलाता था। उसके बाद फिर बाथरूम से लौटे हम, फिर एक आवाज़ हुआ, आवाज़ आया तो हम फिर सोचे कि देखते हैं क्या है, तो बाहर देखते हैं पूरा जहाँ पे पूरा घर का जो सामान रखा जाता है उसमें आग पकड़ा हुआ था। फिर हम लोग सबको बुलाए मोहल्ला वाले को, फिर सब मोहल्ले वाले हम तो आग बचाने के चक्कर में ऊपर चढ़े, लेकिन जब गिरने लगा तो हम फिर नीचे आ गए। उसके बाद फिर हम नीचे गए, मोहल्ला वाले को आवाज़ दिए, फिर मोहल्ला वाले लोग आया, सब सबको ऑपरेट किए, फिर जा करके आग को बुताने में फिर 112 आया, फिर जाके कंप्लीट हुआ जाके। लगभग कितना बजे आग लगा और कितना देर लगा कंट्रोल होने में? टाइम एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन अप्रॉक्स हमको लगता है कि 10 बजे के आसपास ऐसा घटना घटा है और 10 बजे से लगभग हमको लगता है कि अभी तक कार्यक्रम चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं, टाइम देख लीजिए।
अभी तो मेरे पास घड़ी भी नहीं है जो हम बता सके, जिसमें कि हम लोग जैसे खाना खा के सोए उसके बाद 10 मिनट के बाद बोलते हैं ऊपर के रेंटर अजीत, वो बोलते हैं कि आपके घर में आग लग गया है। जैसे हम लोग भी दौड़े और अगल बगल के रेंटर भी था हम लोग का, सब आए मिल के सब आग बुझाने की कोशिश किए। बहुत उसके बाद फिर दो दमकल आए, उसके उसी के सबसे हुआ। क्या लग रहा, कैसे लगा होगा? अब तो हम तो नहीं जानते, अब पता करेंगे रेंटर से कैसे, वही बताया गया हमको कि आग लगा है, अब रेंटर ही बताएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक, था बहुत सामान था, घर का ही सामान था जो भी था, दरवाज़ा एक न्यू था, दरवाज़ा था और सब ड्राम था, गेहूँ का चावल रखने वाला और सब सामान था, वो भी सब जल के थोड़ा सा। क्या रेंटर लोग रहते हैं क्या? नहीं, उसमें कोई नहीं रहते, उसमें ऐसे कोटी को जैसे बना था सामान रखने के लिए, वही सामान रखने के लिए था वो। आप पे कैसे काबू पाया गया, कितना देर लगा? कम से कम 1 से 2 घंटा लग गया। पहले लोग क्या बुझाए, बस्ती के लोग? हाँ, पहले अगल बगल के लोग आए, उसके बाद फिर आए दमकल वाले, तो उसके बाद उसी के हिसाब से।